कोई बात नहीं, बैठिए बैठिए। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलिए आज भी हम ऑलमोस्ट पूरी क्लास में बीएससीपीआर थ्योरी ही कंटिन्यू करेंगे। एज आई सेड, मैंने आपको बताया था कि ये जो टेबल उस दिन आप लोगों ने बनाया था, ये 3-4 पेजेस तक चलेगा। So let us continue with this VSEPR theory, but first of all let me make you revise the previous topics. आप सब लोगों को पता है कि after the discussion of the ionic bond, currently हम covalent bond के बारे में discuss कर रहे हैं, and covalent bonds की हम definition already discuss कर चुके हैं। You know कि covalent bond is formed by the mutual sharing of valence electron, and that mutual sharing is only possible by the overlapping of valence atomic orbitals, ठीक है? Besides this, covalent bond में covalency क्या होती है, हम लोगों ने वो भी discuss कर लिया था। Covalency का मतलब होता है the number of valence electrons contributed by an element for mutual sharing. और इसके अलावा मैंने आपको concept of bond pairs and lone pairs भी बता दिया था। किसी भी element के valence shell के वो electron pair जो दो nuclei के influence में आ चुके हैं, जो sharing में participate कर चुके हैं, उन्हें बोलते हैं bond pair। और valence shell के वो electron pair which are still under the influence of single nucleus are called lone pairs. अब बेस्ड अपॉन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी डेवलप करी गई, व्हिच इज नोन एज द वीएसईपीआर थ्योरी। दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय जेलेस्पी एंड नियोम इन 1957, एंड द बेसिक पर्पस बिहाइंड दिस थ्योरी वाज टू एस्टिमेट द ज्योमेट्री, शेप एंड एंगल्स ऑफ वेरियस कोवेलेंट कंपाउंड्स। बहुत सारे कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी अलग अलग शेप होती है। एक सेंट्रल एटम के आसपास जो सराउंडिंग एलिमेंट होते हैं वो अलग अलग ओरिएंटेशन में होती है डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स के साथ। तो ये सब किस चीज पर डिपेंड करता है? अगर हमें आज की डेट में मालूम है कि मीथेन टेट्राहेड्रल, तो वो टेट्राहेड्रल ही क्यों है, कुछ और क्यों नहीं, ठीक है? सो किसी भी मॉलिक्यूल की शेप और ज्योमेट्री एक्चुअली डिपेंड करती है उस मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है उसके सराउंडिंग, उसके आसपास कितने लोन पेयर हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि दिस वीएसईपीआर थ्योरी इज बेस्ड अपॉन 3 पोस्टुलेट्स। आई होप आपको 3 पोस्टुलेट्स याद हो गए होंगे अब तक। पहला पोस्टुलेट ये कहता है कि द ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ एनी कोवेलेंट मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। And when we say the total number of electron pair, we mean to say including both lone pair as well as bond pair. ठीक है? तो किसी भी molecule की shape और geometry उसमें central atom के आसपास total number of electron pair पे depend करती है, including both lone pair and bond pair. Second postulate में हमें ये बताया गया कि the total number of electron pair around the central atom repels each other and consequently they tends to remain as far apart as possible from one another in order to minimize the repulsions between them. आपको पता है कि रिपल्शन से मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है और कोई भी चीज इस यूनिवर्स में अनस्टेबल नहीं रहना चाहती। एवरीथिंग टेंड्स टू स्टेबलाइज इटसेल्फ। तो किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के आसपास जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इन केस अगर वो रिपल्शन एग्जिबिट करते हैं तो सेंट्रल एटम उन इलेक्ट्रॉन पेयर को एक दूसरे से मैक्सिमम एंगल पर रखने की कोशिश करता है, उन रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए। एंड द लास्ट पोस्टुलेट जिस पे ये थ्योरी बेस्ड है वो ये कि द रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर आर डिफरेंट। दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं आपको मालूम है, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। सबसे ज्यादा रिपल्शन एनकाउंटर होती है लोन पेयर के बीच में, उससे कम रिपल्शन लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, एंड द लीस्ट रिपल्शन आर एग्जिबिटेड बिटवीन द बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड। सो बेस्ड अपॉन दीज 3 पोस्टुलेट्स वी स्टार्टेड दिस थ्योरी इन द टेबुलर फॉर्म। टेबल में आपको आप देख सकते हैं मेरे पीछे हमने 4 कॉलम्स बनाए थे। एक तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, इस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर में इंक्लूडिंग बॉन्ड पेयर लोन पेयर सब टोटल देखेंगे हम। फिर उसके बाद उन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर पे बेस क्या स्ट्रक्चर पजेस करेगा मॉलिक्यूल, उसकी शेप और ज्योमेट्री को क्या नाम देंगे और क्या पॉसिबल एग्जांपल्स हो सकते हैं उतने इलेक्ट्रॉन पेयर्स। सो शुरू के एग्जांपल्स बहुत सिंपल थे। इनफैक्ट शुरू के 3 एग्जांपल्स जो मैंने आपको बताए थे उनमें शेप और ज्योमेट्री सेम थी। याद रखिएगा, शेप एंड ज्योमेट्री हर उस केस में सेम होती है जहां पे कोई लोन पेयर नहीं होता, ऑल बॉन्ड पेयर्स। जैसे BeCl2 वाज द फर्स्ट एग्जांपल। अच्छा देखिए, मैं आपको एक चीज और बता, ये जो हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर के अलग अलग केसेस देख रहे हैं ना, ये कहां से कहां तक वेरी कर सकते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो किसी भी सेंट्रल एटम के आसपास हो सकते हैं वो होते हैं 2। हमने 2 इलेक्ट्रॉन पेयर वाले कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करा था। 1 इलेक्ट्रॉन पेयर कभी नहीं होता। अगर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर होगा तो फिर कोई सेंट्रल एटम ही नहीं, फिर तो 2 ही एलिमेंट, ठीक है? तो मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन पेयर से ये थ्योरी स्टार्ट हुई थी और मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन पेयर तक ये थ्योरी चली। हाईएस्ट एक्सपैंडेड ऑक्टेट वाला अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल आज की डेट में है, एक्सपैंडेड ऑक्टेट आई होप आपको याद होगा, जिसमें वैलेंस शेल में 8 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एलिमेंट ने अगर अपनी वैलेंस शेल में अटेन करे तो वो थे 14 मतलब 7 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो 7 इलेक्ट्रॉन पेयर वाला हाईएस्ट केस हमारा आएगा इसमें। हम 5 पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, अभी 6 वाले और 7 वाले कुछ और एग्जाम्पल्स हमें डिस्कस करें।
सो टू इलेक्ट्रॉन पेयर वाले किसी भी मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होती है वो लीनियर होती है, एंड द एग्जांपल वाज BeCl2, एंगल होता है 180 डिग्री। तीन इलेक्ट्रॉन पेयर वाला भी हमने एक ही केस देखा था, दैट वाज BeCl3। जब भी किसी सेंट्रल एटम के आसपास तीन इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो उन तीन इलेक्ट्रॉन पेयर में रिपल्शंस को मिनिमाइज करने के लिए 120 डिग्री इन अ प्लेन तीन बॉन्ड्स अलाइन होंगे, एंड दैट ज्योमेट्री इज कॉल्ड ट्रायगोनल प्लेनर। तीसरा एग्जांपल हमने देखा था मीथेन का। मीथेन में कार्बन के आसपास चार इलेक्ट्रॉन पेयर होती हैं और चारों के चारों बॉन्ड पेयर, दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। आप में से काफी लोगों ने मुझे बताया था कि अगर चार इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो एंगल 90 डिग्री का होगा। देखिए 90 डिग्री का तब होता है जब आपके पास ये कोई रिस्ट्रिक्शन होती है कि आपको एक ही प्लेन में रखने, लेकिन आपके पास ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मॉलिक्यूल के पास ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उसे प्लेनर ही रहना है, वो थ्री डायमेंशनल भी बन सकता है, उसके कुछ बॉन्ड्स बाहर भी आ सकते हैं, कुछ पीछे भी जा सकते हैं। सो 90 से भी ज्यादा एंगल पॉसिबल था, मैंने आपको मॉडल के अच्छे दिखाया था, ठीक है। ये याद रखिएगा, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के आसपास चार इलेक्ट्रॉन पेयर होती है तो हर ऐसे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, एंड अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री विद ऑल द बॉन्ड पेयर, अगर सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं तो एंगल आएगा 109.5 डिग्री का। मैं एक बार मॉडल्स फिर से ले लेता हूं सारे। देखिए दिस वॉज द टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल जो मैंने आपको बताया था, एंड दिस इज अ वेरी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। इसमें सेंट्रल एटम कार्बन है और कार्बन से ओरिएंटेड चार हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और किसी भी दो बॉन्ड्स के बीच में आप देख लीजिए कलर्ड एटम्स हैं आपको आइडेंटिफाई करवाने के लिए, ब्लैक और व्हाइट के बीच में देख लीजिए यहाँ पे भी उतना ही एंगल आपको दिखेगा, ब्राउन और व्हाइट के बीच में भी उतना ही एंगल दिखेगा, ग्रीन और व्हाइट के बीच में भी उतना ही एंगल दिखेगा, ठीक है। किसी भी तरह से आप देख लीजिए ब्लैक एंड ग्रीन के बीच में भी उतना ही एंगल दिखेगा। सो दिस इज अ वेरी सिमेट्रिकल बॉन्ड। कोई भी सेंट्रल एटम जब अपने आसपास चार इलेक्ट्रॉन पेयर पोजेस करता है तो उसकी कोशिश हमेशा यही रहती है कि वो 109.5 डिग्री के एंगल पे अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अलाइन करे, बिकॉज दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एंगल बिटवीन फोर इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अगर इससे भी ज्यादा एंगल हो पाता ना तो मॉलिक्यूल वो पजेस कर लेता, लेकिन इससे ज्यादा एंगल पॉसिबल नहीं। अगर आप मान लीजिए ये ग्रीन और ब्लैक वाले को देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि इससे ज्यादा एंगल क्यों पॉसिबल नहीं है, हम थोड़ा और पीछे कर देते हैं, तो देखिए अगर आप इन दोनों को पीछे करोगे तो बेशक आपने इन दोनों के बीच में तो एंगल बढ़ा दिया, लेकिन इसे पीछे करने से फिर वो दूसरे एटम के पास आ जाएगा ना, तो वहां से रिपल्शन डोमिनेट कर जाएगा। अगर आप दो को पीछे करोगे तो बाकी दो पास भी तो आ जाएंगे। तो ये याद रखिएगा, दिस इज द मैक्सिमम सूटेबल एंगल। जब भी किसी सेंट्रल एटम के आसपास चार इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, और एंगल होता है, इनकेस एंगल भी तब जब चारों के चारों बॉन्ड पेयर है तो एंगल होता है 109.5। फिर हमने फोर इलेक्ट्रॉन पेयर वाले कुछ और भी केसेस देखे थे। देखिए फोर इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर मैं करवा रहा हूं ना उसमें वेरियस केसेस आएंगे डिपेंडिंग अपॉन कि सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं या उसमें से कुछ लोन पेयर भी आ। जैसे मीथेन का तो वो केस था चार इलेक्ट्रॉन पेयर वाला जिसमें सारे के सारे बॉन्ड पेयर थे, लेकिन फिर हमने अमोनिया डिस्कस करा था, अमोनिया में भी चार इलेक्ट्रॉन पेयर थे लेकिन एक लोन पेयर आ गया था और तीन बॉन्ड पेयर थे, तो अमोनिया की भी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही होगी लेकिन शेप पिरामिडल। देखिए शेप एंड ज्योमेट्री में ये डिफरेंस होता है कि व्हाइल वी डिसाइड द ज्योमेट्री हम बॉन्ड पेयर तो देखते ही, हम लोन पेयर भी इमेजिन करते हैं। वो जो लोन पेयर यहाँ पे फिजिकली नहीं दिख रहा, दो इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे, उसे हम इमेजिन करते हैं और उसको इंक्लूड करते हुए हमें ये मीथेन जैसा टेट्राहेड्रली नजर आता है। लेकिन जो शेप होती है, शेप में हम सिर्फ वो देखते हैं जो हमें फिजिकली नजर आ रहा है, शेप में बॉन्ड लोन पेयर कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करते, शेप में सिर्फ बॉन्ड पेयर कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। तो शेप आप देख सकते हैं, अगर मैं इसे किसी फ्लैट सर्फेस के ऊपर रखूंगा तो ये थोड़ा सा बीच में से उठा हुआ है, दिस इज अ पिरामिडल शेप। एंड मोर ओवर बेशक इसकी ज्योमेट्री, देखिए इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है लेकिन इसके अंदर जो एंगल है वो टेट्राहेड्रल वाले नहीं रहे। मीथेन के में एंगल थे 109.5 डिग्री, वी वर एक्सपेक्टिंग कि एक बॉन्ड बनना ही तो बंद हो गया, बाकी के एंगल तो अभी भी उतने ही रहने चाहिए थे, लेकिन नहीं। देखिए ऊपर एक ऑर्बिटल आ गया जिसमें लोन पेयर बैठा और लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज्यादा होता है, तो ये लोन पेयर इन तीनों बॉन्ड पेयर पे बहुत ज्यादा रिपल्शन डालेगा जिसकी वजह से ये अंदर की तरफ स्क्वीज्ड हो जाएंगे, एक दूसरे के पास आ जाएंगे ऊपर से दूर जाने के चक्कर में, और जब ये एक दूसरे के पास आएंगे तो ये एंगल कंप्रेस्ड होके कितना हो जाता था 107 डिग्री। अमोनिया में द एंगल वाज 107 डिग्री। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर इसमें से एक बॉन्ड और बनना बंद हो जाए तो वो वाटर हो जाएगा। वाटर में भी ऑक्सीजन के पास चार इलेक्ट्रॉन पेयर थे लेकिन डिफरेंस था कि चार इलेक्ट्रॉन पेयर में से दो लोन पेयर थे और दो बॉन्ड पेयर थे। अब चार में से दो बॉन्ड बनने बंद हो गए, दो बचेंगे तो आपको ये शेप बेंट शेप या एंगुलर शेप नजर आएगी, लेकिन अगर हम लोन पेयर भी देखें तो ये वही है टेट्राहेड्रल। तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप बेंट, एंड द एंगल वाज फॉर द डिक्रीज बिकॉज दो दो लोन पेयर तो और भी ज्यादा रिपल्शन डालेंगे बॉन्ड पेयर पे, तो ये और पास आ जाएंगे, एंगल फॉर द डिक्रीज ओके हो जाता है 104.5 डिग्री। ये जिन चीजों के मैं एंगल करवा रहा हूं ना वो इंपॉर्टेंट है, वो पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो यू हैव टू लर्न दीज एंगल्स।
आगे वाले केसेस के एंगल्स हम नहीं पढ़ेंगे, पीसीएल 5 के आगे किसी चीज के एंगल उतने रेलेवेंट नहीं है आपको याद रखने, लेकिन टिल पीसीएल 5 यू हैव टू लर्न द एंगल्स ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो 4 वाले केसेस थे, उसके बाद हमने 5 वाला ही केस स्टार्ट करा था पीसीएल 5। अब पीसीएल 5 में और पिछले सभी कंपाउंड में एक डिफरेंस था, पिछले जो हमने तीन चार कंपाउंड देखे जैसे BCl2, BCl3, CH4, वाटर, अमोनिया, उन सब में सारे एंगल एक जैसे ही थे। जैसे अमोनिया में 3 NH बॉन्ड थे तो हर एंगल 104.107 डिग्री का था, ठीक है। मीथेन में चारों एंगल 109.5 डिग्री के थे, लेकिन PCl5 अगर आप पांचों बॉन्ड एंगल एक जैसा रखने की कोशिश करोगे तो एंगल मिलेगा आपको 72 डिग्री का, ठीक है। एक पेंटागन में अगर हम पेंटागन के वर्टेक्स पे रख दें फॉस्फोरस और 5 वर्टिसेस पे डायरेक्ट कर दें क्लोरीन तो आपको 72 डिग्री का एंगल मिलेगा। बट 72 डिग्री इज अ वेरी स्मॉल एंगल, हमें लगता है कि 72 डिग्री पे अगर हम बॉन्ड पेयर को अलाइन करेंगे तो बड़ा रिपल्शन आ जाएगा, मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे PCl5 क्या करता है, एक थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री पजेस करता है, लेकिन उस थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में सारे एंगल एक जैसे नहीं रख पाता। इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रिपल्शन वो क्या करता है, 3 तरह के एंगल अपने अंदर डेवलप करता है। आप देख सकते हैं PCl5 ने फॉस्फरस ने क्या करा, 3 क्लोरीन के साथ तो एक ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस पे बॉन्ड बनाया। अब ये जो ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस पे 3 बॉन्ड बनते हैं, ये बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड एंड दे आर 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम वन अनदर ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस पे, और 2 बॉन्ड्स परपेंडिकुलरली अबव एंड बिलो द प्लेन, जो बोर्ड पे आपको ऐसे दिख रहे हैं बट प्रैक्टिकली एक बोर्ड के बाहर निकला हुआ है, एक बोर्ड के पीछे जा रहा है, ठीक है। दीज आर कॉल्ड द एक्सियल बॉन्ड, ये एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल वाले बॉन्ड से 90 डिग्री पे है और ऊपर वाला एक्सियल नीचे वाले एक्सियल से 180 डिग्री, हर एंगल 72 से तो बहुत ज्यादा है। सो दिस इज द मोस्ट सुटेबल स्ट्रक्चर, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम के आसपास 5 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो हमेशा यही वाली ज्योमेट्री पजेस करने की कोशिश करेगा। इस ज्योमेट्री का नाम होता है ट्राइगोनल बायपिरामिड, ट्राइंगल के ऊपर एक पिरामिड बनता है, ट्राइंगल के नीचे पिरामिड बनता है। अब यहाँ पे हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि फॉस्फोरस पांचों क्लोरीन के साथ ही तो बॉन्ड बना रहा है, सराउंडिंग एलिमेंट सारे क्लोरीन ही है, ऐसा नहीं है कि कोई क्लोरीन है, कोई फ्लोरीन है, कोई आयोडीन है। अब अगर सेंट्रल एटम भी सेम है, सराउंडिंग एटम भी सेम है, तो वी वर एक्सपेक्टिंग सारी बॉन्ड लेंथ भी सेम होनी चाहिए थी, ऑल द 5 बॉन्ड्स वर एक्सपेक्टेड टू बी सेम। लेकिन PCl5 से रिलेटेड एक कंफर्म क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि ऑल द 5 बॉन्ड्स इन PCl5 आर नॉट इक्विवेलेंट। परिणीत, इसका आंसर आप बताइए मुझे, PCl5 में 5 बॉन्ड्स इक्विवेलेंट क्यों नहीं थे? परिणीत, हु कैन टेल मी, बताइए बिना कॉपी में से देखे, बिना रजिस्टर में से देखे, कौन मुझे बता सकता है, हैंड रेज करें। मैंने करवा दिया था ना आपको ये क्वेश्चन, ऑल द 5 बॉन्ड्स इन PCl5 आर नॉट इक्विवेलेंट, यस अखिला? सर जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं वो एक्सियल बॉन्ड्स पे रिपल्शन एक्सर्ट करते हैं, तो उस रिपल्शन की वजह से एक्सियल बॉन्ड्स लॉन्गर हो जाते हैं। आपने सही एक्सप्लेनेशन दिया ना, लेकिन एक छोटा सा एक मिस्टेक कर दी व्हाइल डिस्क्राइबिंग और उस मिस्टेक के मार्क्स भी कट सकते हैं। आपने बोला कि इक्वेटोरियल बॉन्ड्स एक्सियल बॉन्ड पे रिपल्शन डालते, इक्वेटोरियल बॉन्ड नहीं, इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर एक्सियल बॉन्ड पेयर पे रिपल्शन डालते, ठीक है। आपको मैंने लैंग्वेज में भी इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर लिखवाया होगा, आप चेक करें। द इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर्स, द 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर्स एक्सर्ट अ रिपल्शन ओवर द 2 एक्सियल बॉन्ड पेयर्स ड्यू टू व्हिच द एक्सियल बॉन्ड्स आर स्लाइटली स्ट्रेच्ड आउटवर्ड्स एंड दे बिकम्स लॉन्गर। देखो एक इक्वेटोरियल दूसरे इक्वेटोरियल से 120 डिग्री पे, तो 120 डिग्री तो एक बड़ा एंगल है, बहुत ज्यादा रिपल्शन नहीं होता होगा, लेकिन ये वाला पेयर तो 90, ये प्रैक्टिकली आप इमेजिन कर पा रहे हो ना, ये बोर्ड के बाहर है तो ये 90 डिग्री पे है इन तीनों से, तो ये तीनों मिलकर आपस में इसको बहुत ज्यादा रिपेल कर रहे होंगे फ्रंट पे, तो इन तीनों के रिपल्शन से वो जो आगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो थोड़ा और आगे आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन पेयर के और आगे आने का मतलब है ये बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रेच्ड आउट हो जाए, और इसी तरह से ये तीनों इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर पीछे वाले एक्सियल बॉन्ड पेयर पे रिपल्शन डालेंगे, वो भी और पीछे चला जाएगा, तो द एक्सियल बॉन्ड वो भी स्लाइटली स्ट्रेच्ड आउट, ठीक है। सो समझ में आ गया था ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद मैंने आपको SF4 भी करवा दिया था, SF4 was another example जो हम लोगों ने डिस्कस करा था। SF4 में मैंने आपको बताया था सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 उसने फ्लोरीन के साथ शेयर करे, 6+4=10, इसका मतलब 5 पेयर, तो SF4 में भी 5 पेयर थे, बट द डिफरेंस इज दैट कि एक लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर थे। अब क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है तो ज्योमेट्री उसकी भी वही रहेगी, ज्योमेट्री तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर पर डिपेंड, ठीक है, तो ज्योमेट्री उसकी भी वही रहेगी ट्राइगोनल पिरामिडल, लेकिन उसमें एक लोन पेयर आ गया तो शेप बदल जाए। बताओ क्या शेप थी बिना कॉपी में देखे SF4 की?
श्रेया बताओ थोड़ा सा, आप भी तो रिवाइज करके आया करो, मैं ही 15 मिनट वेस्ट करता हूँ। हाँ बताइए। सी सॉ शेप थी, बिल्कुल सही बताया। देखो मैंने आपको बताया था यहाँ पे था सल्फर और यहाँ पे हमने चार क्लोरीन की जगह चार फ्लोरीन कर दिए, एक फ्लोरीन यहाँ लगा दिया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और यहाँ जहां हमें फ्लोरीन लगाना चाहिए था वहां एक लोन पेयर आ गया था। और मैंने आपको एक शॉर्टकट, एक तरीका बताया था, रीजन नहीं बताया था बट एक शॉर्टकट बताया था ये पता लगाने का कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये लोन पेयर हमें ट्राइंगल के अंदर ही रखना है। क्या ऊपर नहीं रख सकते थे हम? तीन ट्राइंगल के अंदर बॉन्ड बना देते, एक नीचे बना देते, ऊपर लोन पेयर रख देते। तो मैंने क्या तरीका बताया था अनुरी मैम, याद है आपको? मैंने आपको बताया था इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दिस नंबर बीइंग ऑड और इवन। ये बताया अगर ये नंबर ऑड है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अगर ऑड है तो लोन पेयर हमेशा प्लेनर पोजिशन में ही आएगा, ये होती है प्लेनर पोजिशन। और अगर ये इवन नंबर होता, कोई सिक्स इलेक्ट्रॉन पेयर वाला केस या फोर इलेक्ट्रॉन पेयर वाला, ये कोई भी और इवन नंबर वाला केस अभी हम आगे करेंगे, तो फिर लोन पेयर जो होते हैं वो एक्सियल पोजीशंस पे आते हैं। इनके रीजंस भी हैं लेकिन अभी नहीं आपको समझ में आएंगे, मैं अपने आप पढ़ाऊंगा जब टाइम आएगा। अभी तो आप एक शॉर्टकट याद रखिए कि इफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर ऑड देन द लोन पेयर वुड बी ओरिएंटेड इन सम प्लेनर पोजीशन, ट्राइंगल के अंदर या किसी भी प्लेन में एक जगह पे। आप जरूरी है लोन पेयर यही रखते, यहाँ पे भी रख सकते थे, यहाँ पे भी रख सकते थे, ठीक है। अच्छा आप जरा ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया था ये जो ट्रायंगल बना रखा है ना, ये ट्रायंगल तो सिर्फ आपको एक समझाने के लिए आउटलाइन दिखा रखे थे, प्रैक्टिकली ये ट्रायंगल नहीं होता। प्रैक्टिकली तो बस ये चार बॉन्ड्स होते हैं, एक फ्लोरीन ऊपर है, एक फ्लोरीन नीचे है, एक फ्लोरीन ये, एक फ्लोरीन ये, और यहाँ पे एक लोन पेयर है। मैंने उस दिन आपको समझाया था ये सीसो कैसे, और समझ में आया था आप लोग, याद है कि नहीं? यस सर। मैंने बताया था ये अभी ऐसे 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 टिल्ट कर दो हॉरिजॉन्टल तो ये फलक्रम हो जाएगा और ये सीसो पे जो बैठने वाली जगह होती है वो हो जाएगी। लेकिन इमेजिन करो मैंने ये लोन पेयर यहाँ दिखाया। कई बार कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर ये लोन पेयर अगर हम यहाँ दिखा देते और एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हम यहाँ दिखा देते तो क्या ये भी सीसो होता या ये बदल जाता? बताओ अगर मान लीजिए मैं एक बॉन्ड यहाँ दिखा दूं, एक बॉन्ड यहाँ दिखा दूं, यहाँ लोन पेयर दिखा दूं, तो क्या ये गलत है या ये भी सही है? बताइए सब लोग। सही सर। देखो बोर्ड पे नहीं लग रहा, ये बोर्ड पे नहीं लग रहा, लेकिन अगर मैं आपको मॉडल की हेल्प से दिखाऊंगा ना तो आपको पता चल जाएगा। इसमें देखते हैं थोड़े एलोंगेटेड बॉन्ड है, इसमें अच्छी तरह समझ में आएगा। ये आपको पता है ये ट्रायंगल के अंदर के तीन बॉन्ड्स हैं, ये ऊपर और नीचे वाले बॉन्ड हैं। अब मैं चाहे ट्रायंगल में ये वाला बॉन्ड हटा दूं, आप देखो इसे ऐसे कर देता हूं तो ये सीसो बन जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये वाला ना हटा के कोई और हटा देता तो भी ये वैसे ही रहता सीसो, ट्रायंगल के अंदर तीनों बॉन्ड एक जैसे ही तो है, ठीक है। चाहे आप ये वाला हटा दो, ये वाला हटा दो, ये वाला हटा दो, कहीं पे भी एक लोन पेयर लगा दो, दैट वुड स्टिल बी द सेम। बोर्ड पे आपको नजर नहीं आ रही क्योंकि बोर्ड हमारा टू डायमेंशनल है, ठीक है। बट थ्री डायमेंशनली जब आप इस मॉलिक्यूल को देखोगे तो इट डजंट मैटर कि वो लोन पेयर आप कहां पे अलाइन करते हो, हाँ लेकिन ट्राइंगल के अंदर ही कहीं करना है, ये नहीं कि ऊपर नीचे कर दिया। तो दिस वॉज द लास्ट एग्जाम्पल, यहां तक करा था हम लोगों ने, ठीक है। बताइए कोई डाउट तो नहीं है, फिर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं आज। एक्सक्यूज मी सर। यस बोलिए दिव्यांश। सर पीसीएल 5 का सर शेप क्या था पहले बताओ दिव्यांश। देखो ये और किस किस को डाउट है, दिव्यांश ने पूछा है कि पीसीएल 5 की ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल पिरामिडल थी, शेप क्या था? अभी भी इसका मतलब दिव्यांश आपको शेप एंड ज्योमेट्री में डिफरेंस नहीं पता चला। और किस किस को थोड़ा सा भी डाउट है शेप एंड ज्योमेट्री में, और किस किस के ये माइंड में क्वेश्चन है कि पीसीएल 5 की शेप क्या थी? ज्योमेट्री तो ये थी लेकिन शेप क्या था बताओ, और किसी को है डाउट पूछ लूं मैं आपसे? सर आ गया सर, क्या आया बताओ सर? इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है ना, इसलिए सर सेम रहेगी। मैंने आपको बताया था व्हेन देयर इज नो लोन पेयर इन अ मॉलिक्यूल, व्हेन देयर आर ऑल द बॉन्ड पेयर्स, तो शेप और ज्योमेट्री सेम ही होती है, ठीक है। देखो यहाँ तो पांचों के पांचों बॉन्ड बन ही रहे हैं ना, जो ज्योमेट्री है वैसी शेप भी नजर आ रही है। ज्योमेट्री और शेप में अंतर तब आ जाता है जब किसी एक जगह पे बॉन्ड बनना बंद हो जाए, तो हमें देखना होता है कि अब क्या बचा, समझ रहे हैं? एक जगह लोन पेयर है तो अब क्या बचा हुआ, क्या सा डिजाइन दिख रहा है, तो हमें शेप डिसाइड करना। तो शेप और ज्योमेट्री तब अलग होंगे जब मॉलिक्यूल में एक लोन पेयर हो या कितने भी लोन पेयर, अगर सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं तो शेप और ज्योमेट्री सेम ही है। क्लियर है? कोई डाउट सर? मेरे को डाउट था कि सर जो बॉन्ड पेयर है वो सर फिजिकली होता है, जो बॉन्ड पेयर है बॉन्ड तो फिजिकली कुछ बनेगा ना। आप मुझे बताओ, एक ये एटम है, एक ये एटम है, ये दोनों आपस में बॉन्डेड हो गए, तो
तो कुछ बनेगा ना फिजिकली, लेकिन इसने तो किसी के साथ बॉन्ड ही नहीं बनाया, तो यहाँ कुछ फिजिकल प्रेजेंस थोड़ी ना होगी किसी भी चीज की। सर बट वो तो बस एक फोर्स ही तो है, तो वो को एक फोर्स फिजिकल थोड़ी है। लेकिन दो आप मुझे बताओ, एक एटम ये है, एक एटम ये है, इनके बीच में फोर्स भी कैसे बनी? कोई ये थोड़े ना दूर बैठे बैठे फोर्स है, ये पास आके ओवरलैप कर रहे हैं ना। अगर पास आके ओवरलैप कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक एक लेंथ में एक्सटेंशन तो आएगा, लेकिन यहाँ तो ये किसी के साथ ओवरलैप नहीं कर रहा, यहाँ तो खाली जगह है। ठीक है सर, ठीक है। चलिए अभी हमें फाइव वाले और भी केसेस देखें। क्या आप कोई और एग्जांपल बता सकते हैं फाइव वाला? हमने पहले पीसीएल फाइव देख लिया था, फिर हमने एसएफ फोर भी देख लिया। अब देखो एक और एग्जांपल बताता हूं मैं आपको सर। यस सर, मिथेन में डैश का क्या मतलब था? जैसे वैज का तो वो था कि क्लोज जो हमारे से होगा वो से डैश कहेंगे, वो वैज कहेंगे। वैज वो होता है जो आपकी तरफ आ रहा होता है आगे की तरफ, और डैश वो होता है जो पीछे की तरफ जा रहा होता है। एक ट्राइपॉड अगर मैं आपके सामने रख दूं, तो ट्राइपॉड के जो तीन लेग्स होती हैं, वो एक आपकी तरफ आ रहा होगा, एक थोड़ा पीछे की तरफ जा रहा होगा, एक बोर्ड के प्लेन में होगा। तो जो बोर्ड के प्लेन में है वो हम नॉर्मल लाइन से दिखा रहे हैं। डैश का मतलब क्या है? डैश मतलब हमने हल्का हल्का दिखा रखा है, क्योंकि वो हमसे दूर है, वो हमें हल्का हल्का दिख, और जो बड़ा थिक सा दिख रहा है इसका मतलब वो हमारे ज्यादा पास आ रहा है, दैट्स व्हाई हमें बोल्ड और क्लियर दिख रहा है। ठीक है, तो वेज ऊपर की तरफ उठा होता है, डैश पीछे की तरफ जा रहा होता है। ओके, सो फाइव इलेक्ट्रॉन पेयर वाला एक केस है ClF3। पहले मैं आपको समझाता हूं। देखो बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनका फॉर्मूला देखते ही आपको इमेजिन ही नहीं होगा कि ये भी फाइव इलेक्ट्रॉन पेयर वाला केस है, लेकिन कैलकुलेट करने में पता चलेगा। आप बताओ, क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन इज अ हैलोजन, और हैलोजन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन 7 इलेक्ट्रॉन में से 3 फ्लोरीन के साथ उसने शेयर कर रखे हैं, तो आप काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है। एक ये बॉन्ड पेयर है, एक ये बॉन्ड पेयर है, एक ये बॉन्ड पेयर है, और बाकी के दो लोन पेयर है, तो ये भी 5 इलेक्ट्रॉन पेयर वाला केस हुआ ना। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, लेकिन इसमें है 3 BP एंड 2 LP। सबसे पहले अपेक्षा आप मुझे बताइए, अगर ये भी 5 इलेक्ट्रॉन पेयर वाला केस है तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ट्रायगोनल बाइपिरामिड, एक 3 ट्रायंगल के अंदर एक ऊपर नीचे, हर 5 वाले की ज्योमेट्री फिक्स ही होगी, शेप बदल जाएगी डिपेंडिंग अपॉन की लोन पेयर कहां पे लगाएगा, लेकिन ज्योमेट्री फिक्स हो। जैसे 4 वालों की सबकी ज्योमेट्री, चाहे हमने 4 वाला मीथेन करा या 4 वाला अमोनिया करा या 4 वाला वाटर करा, सबकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल शेप बदलती जा रही थी। ठीक है, तो 5 वाले जितने भी केसेस चलेंगे सब में ज्योमेट्री यही चलेगी, ज्योमेट्री इज ट्रायगोनल बायपिरामिडल। अभी कुछ नोट नहीं करिएगा, ट्रायगोनल बायपिरामिडल शेप देखेंगे कि क्या अज्यूम करता है ये मॉलिक्यूल। आप मुझे बताओ कितने लोन पेयर हमें लगाने हैं? 2, और 3 बॉन्ड्स बनाने। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो जो लोन पेयर हमें लगाने हैं वो हम ट्रायंगल के अंदर किसी वर्टेक्स पे लगाएं या ऊपर नीचे लगाएं, ये कैसे पता चलेगा? अंदर लगेंगे ट्रायंगल के वर्टिसेस पे, क्योंकि ये अगेन ऑड नंबर है, 5 इज एन ऑड नंबर, ऑड नंबर में हमेशा अंदर ही लगते हैं। ठीक है, तो एक लोन पेयर यहाँ लगा देते हैं, एक लोन पेयर यहाँ लगा देते हैं, अब बाकी के 3 बॉन्ड्स बना देते हैं। ठीक है, एक फ्लोरीन ऊपर, एक फ्लोरीन ये और एक फ्लोरीन ये। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है। आप कोई बता सकता है, अगर मैं एक आउटलाइन ना दिखाऊं, सिर्फ इतना दिखाऊं आपको कि एक फ्लोरीन से फ्लोरीन ऊपर बॉन्डेड है, एक नीचे बॉन्डेड है, एक इधर बॉन्डेड है, तो इस शेप को आप क्या बोलो? जिन्होंने पढ़ रखा है स्कूल में वो तो बता देंगे, बताइए क्या शेप थी ये? देखो देखो, ये तो पीसीएल 5 था। सबसे पहले ये वापस आते हैं स्टार्टिंग पे, पीसीएल 5 था, 3 ट्रायंगल के अंदर बॉन्ड बन रहे थे, एक ऊपर नीचे। फिर ये हो गया SF4, SF4 में एक ट्रायंगल के वर्टिस को हमने खाली कर दिया। फिर ये हो गया ये आपके सामने जो ClF3 रखा है। अब मैं इसे थोड़ा सा टिल्ट करके ऐसे कर दूं, तो इसे बोलते हैं टी शेप। दिस इज टी शेप। सीसो तो नहीं बोल सकते, सीसो का एक फलक्रम के 2 लेग्स तो होने चाहिए, तो एक ही है। ठीक है, कभी आपको लगे ये भी तो सीसो है, ठीक है, हम इसे सीसो नहीं बोलते, हम इसे टी शेप बोलते। सो शेप लिख लीजिए, टी शेप। सो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर वाला वो केस जिसमें 3 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर होंगे, एग्जाम्पल है ClF3 और शेप है टी शेप, ज्योमेट्री इसकी भी ट्रायगोनल बायपिरामिडल।
किसी को कोई डाउट तो बताइएगा मुझे। अमेश, अर्नव, कोई डाउट है? समझ में आ रहा है या नहीं? आ रहा है सर। अमेश माथुर सर। हाँ सोनम सर, एस एफ फोर का शेप तो आपने सीसो बताया सर, उसकी ज्योमेट्री भी सीसो ही होगी? नहीं, ज्योमेट्री तो एस एफ फोर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने थे सर? 4 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर था। टोटल कितने थे? 5 थे ना? यस सर। हर 5 वाले में ज्योमेट्री यही रहेगी, ट्रायगोनल बैक एंड मिडल। ज्योमेट्री इज फिक्स्ड, ज्योमेट्री डिपेंड्स अपॉन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। शेप इज डिसाइडेड ऑन द फैक्ट कि उन टोटल में से कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने लोन पेयर हैं। अगर सारे के सारे बॉन्ड पेयर ही हैं, कोई लोन पेयर है ही नहीं, तो ज्योमेट्री और शेप एक जैसी होगी। लोन पेयर आते जाते हैं तो शेप बदलती जाती है। समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो PCl5 की भी ज्योमेट्री यही थी, SF4 की भी ज्योमेट्री यही थी, ClF3 की भी ज्योमेट्री यही है। अभी एक और करवाऊंगा, उसकी भी ज्योमेट्री वही रहेगी। 5 वाले जितने भी केसेस करवाऊंगा, सबकी ज्योमेट्री वही रहेगी, शेप बदलती। सर तो फिर सोनम या नहीं सर, जैसे हमने ये जब स्कूल में किया था तो मैम ने हमें इसकी ज्योमेट्री है जो वो लिखवाई डिस्टॉर्टेड बाय पिरामिडल, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है उस वजह से। उसकी नहीं लिखवाई होगी डिस्टॉर्टेड बायपिरामिडल, आगे आएगा उसकी बताऊंगा मैं। किसकी बताई लिखवाई थी मैम ने? सर SF4 की। नहीं, SF4 की ज्योमेट्री तो ट्रायगोनल बायपिरामिडल होती है। मैम आपको रीजन बता, प्रोबेबली डिस्टॉर्टेड बायपिरामिडल इसलिए बता दिया होगा मैम ने, मैं बताता हूं उसका भी रीजन। आप बोल सकते हो डिस्टॉर्टेड बायपिरामिडल, उसका रीजन समझो। देखो ये PCl5 था, आपको मालूम है सोनम, और सब लोग ध्यान से सुनेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसे ट्रायगोनल बाय पिरामिडल क्यों बोल रहे थे? पिरामिडल वर्ड क्यों आ रहा था? क्या इसमें कोई पिरामिड बन रहा था? बन रहा था कि नहीं? मतलब हम इमेजिन कर पा रहे थे कि अगर ये ऊपर Cl है, अब इस ऊपर वाले Cl को मैं दिखाता हूं आपको, एक थ्री डायमेंशनली दिखाने की कोशिश करता हूं। अब आप इसे इससे भी ज्वाइन कर दो, इससे भी ज्वाइन कर दो, इससे भी ज्वाइन कर, तो आप देखेंगे एक पिरामिड बन। उस पिरामिड के कितने फेसेस हैं? 3 फेसेस, सही है? 3 फेसेस होंगे ऊपर पिरामिड, और ऐसे ही नीचे भी 3 फेसेस होंगे, ठीक है? तो ट्रायगोनल बायपिरामिड, ये तो PCl5 है, एक रेगुलर ट्रायगोनल बायपिरामिड। रेगुलर मतलब इसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं। SF4 में आपको डिस्टॉर्टेड इसलिए बोल दिया होगा क्योंकि वहां पर आ जाता है एक लोन पेयर, और ये लोन पेयर ना एक्चुअली इन पर रिपल्शन डालता है। रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड ना बिल्कुल सीधा नहीं रह पाता, थोड़ा सा टिल्टेड हो जाता है SF4 के केस, समझे? क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन ज्यादा होगा, तो मान लीजिए ये SF4 है तो ये सीधा नहीं रहेगा, इसने थोड़ा सा रिपेल कर दिया, ये थोड़ा सा टिल्टेड हो गया, इसे भी थोड़ा सा टिल्ट कर दिया अंदर की तरफ। तो अब ये ज्योमेट्री वही रहेगी ट्रायगोनल बैकग्राउंड, लेकिन थोड़ा सा डिस्टॉर्शन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर आ गया, तो इसलिए डिस्टॉर्टेड ट्रायगोनल बैकग्राउंड बोल दिया होगा। लेकिन आप ट्राइगोनल बायपिरामिडल भी बोलोगे तो डजंट मैटर, वो सबको हम ट्राइगोनल बायपिरामिडल ही बोलते हैं जो 5 वाले केस। डिस्टॉर्शन आ जाएगा डेफिनेटली, जो एंगल PCl5 में रहे थे वो एंगल यहाँ पे नहीं है। सोनम आपको समझ में आया? यस सर, क्लियर हो गया। और सबको समझ में आया डिस्टॉर्शन क्यों है? डिस्टॉर्शन मतलब इज एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस। हाँ प्रिया सर, तो फिर अभी हम ClF3 किया सर, इसमें तो तीनों के साथ उसका मतलब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होगा। CLF3 में भी डिस्टॉर्शन आएगा, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर इन तीनों पे रिपल्शन डालेंगे, और सबसे ज्यादा इन पे डालेंगे, परपेंडिकुलर वालों पे बहुत ज्यादा रिपल्शन पड़ेगा, तो ये काफी अंदर की तरफ टिल्टेड हो जाता है, ठीक है? तो ये एक रेगुलर ट्राइगोनल बायपिरामिडल नहीं रहता, लेकिन क्योंकि ये 5 वाला केस है और 5 वाले सभी केसेस में ज्योमेट्री हम सेम प्रिज्यूम करते हैं, शेप बदलती रहती है, तो ज्योमेट्री आप डिस्टॉर्टेड बायपिरामिडल लिख दो या सिर्फ ट्रायगोनल बायपिरामिडल लिख दो, इज द सेम थिंग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिस्टॉर्शन आपको समझ में आया? हां बोलो बोलो। सर जो फ्लोरीन सर इक्वेटोरियल बॉन्ड के अंदर है तो सर वो किस तरफ की ओर शिफ्ट होगा? वो किसी तरफ शिफ्ट नहीं होगा, वो तो बेसिकली अभी भी इस एक प्लेन में ही है ना, बस ये कह सकते हो कि वो लोन पेयर की वजह से थोड़ा सा एक्सटेंडेड हो जाएगा बाहर की तरफ, शिफ्ट नहीं होगा,
वो थोड़ा सा लेंथ में लंबा हो जाए. ओके प्रिया. यस सर. हाँ अब ये बना लिया था ना yes, ये वाला CLF3. yes, ठीक है. अब 5 वाला एक और इलेक्ट्रॉन पेयर का केस देखते हैं. देखिए ये आप पहली बार पढ़ रहे हो द नोबल गैस कंपाउंड XeF2. आपको पता है ज़ीनॉन इज अ नोबल गैस और किसी भी नोबल गैस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8. तो ज़ीनॉन के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन. लेकिन इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन एक फ्लोरीन के साथ और दूसरे फ्लोरीन के साथ शेयर कर लिए. तो आप देखिए एक ये बॉन्ड पेयर हो गया, एक ये बॉन्ड पेयर हो गया और बाकी के 3 लोन पेयर हैं. तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर वाला केस है ये भी. ठीक है. लेकिन द डिफरेंस इज दैट कि 5 में से अब 2 मोर बॉन्ड पेयर है एंड 3 लोन पेयर है. अब अगर 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 3 लोन पेयर तो क्या हम कह सकते हैं ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस पे लोन पेयर होंगे? एक लोन पेयर यहां होगा, एक लोन पेयर यहां पे होगा, एक लोन पेयर यहां पे होगा, ऊपर और नीचे बॉन्ड बनेगा. ठीक है. और ये ज्योमेट्री क्या रहेगी बताइए? सॉरी ज्योमेट्री तो यही रहेगी, ट्राइगोनल ऑर्बिटल शेप क्या रहेगी? लीनियर. लीनियर ऑब्वियसली लीनियर. ये एक एफ ऐसे रहेगा, एक एफ ऐसे रहेगा. अच्छा क्या इसमें इसकी लीनियरिटी में कोई डिस्टॉर्शन आएगा? क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा कहीं से? ये वैसे ही रहेगा? नो सर. टिल्टेड हो जाएगा? नहीं सर, वैसा ही रहेगा. इसके तो तीनों तरफ लोन पेयर है ना प्लेन में 120 डिग्री के. अगर वैसे तो लोन पेयर में कोई एंगल नहीं इमेजिन होता, लेकिन अगर जितना ये इधर से रिपेल कर रहा है फिर ये वापस उधर से भी कर देता है तो वो फिर वहीं रह जाता है. समझ रहे हैं? तीनों तरफ से इक्वल रिपल्शन पड़ रहा है प्लेनर वाले पे. हाँ ये लेंथ में बड़ा जरूर हो जाएगा क्योंकि ये तीनों लोन पेयर इस पर रिपल्शन हल्के से पीछे कर देंगे लेकिन टिल्ट नहीं कर पाए. समझ रहे हैं यहाँ पे चीज को? तो लेंथ में बड़े हो जाएंगे लेकिन दोनों ही लेंथ में बड़े होंगे तो लेंथ तो फिर भी दोनों की एक जैसी ही रहेगी. सही है. सो ये याद रखिएगा इसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं आएगा. ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाइपेडल, शेप इज लीनियर. कोई भी डाउट हो तो क्लियर कर लीजिएगा. सर मेरे को एक चीज बोलिए पूछना था कि सर लोन पेयर से जो ये सर मेरे को पूछना था कि सर लोन पेयर से यहाँ की वो कैसे हो जाएगी, लंबी हो जाएगी उसकी लेंथ? सर वो हो जाता है ना लोन पेयर तो इस पे ज्यादा रिपल्शन डालेगा? हाँ. बताओ. यस सर. ये भी डालेगा इस पर रिपल्शन, ये भी डालेगा इस पर रिपल्शन. ये परपेंडिकुलरली यहाँ पे निकला हुआ है. जब एक प्लेन में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और वो उस परपेंडिकुलर वाले पे रिपल्शन डालेंगे तो इन तीनों से दूर जाने के चक्कर में थोड़ा पीछे हो जाएगा ना. और अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा पीछे हो गया तो लेंथ एक्सटेंडेड हो जाएगी बाहर की तरफ, स्ट्रेच्ड हो जाएगी. जैसे मैंने PCl5 में बताया था वही केस. क्लियर है? Yes, sir. सर एक और आप आते हैं. हाँ बोलो बोलो जल्दी जल्दी बोलो. सर CLF3 में सर फिर वहाँ पे जब 2 लोन पेयर वाले बॉन्ड थे तो सर वहाँ पे वो नहीं रहे होगा सर एंगल में कुछ अलग सर उनका होगा ना? वही तो बता रहा था CLF3 में डिस्टॉर्शन आएगा, बता तो रहा था अभी. सर कितना एंगल CLF3 में भी डिस्टॉर्शन आएगा. मैंने आपको क्या बताया PCl5 के बाद वाले किसी भी मॉलिक्यूल में आपको एंगल नहीं पड़ना क्योंकि डिस्टॉर्शन होते हैं बहुत सारे और डिस्टॉर्शन की वजह से एंगल में बहुत ज्यादा वेरिएड वेरिएशन आते हैं. सो यू नॉट सपोज टू लर्न द एंगल्स बियॉन्ड PCl5. ठीक है. हाँ जो जहां कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा एक रेगुलरिटी होगी वहां हम आपको एंगल बताएंगे लेकिन डिस्टॉर्शन वाले केस में किसी में भी आपको एंगल जज करने की जरूरत नहीं. ओके ओके सर. अब हम 6 इलेक्ट्रॉन पेयर वाले केस पे आते हैं. 5 वाले कितने केसेस करे आपने काउंट करे? 6 इलेक्ट्रॉन पेयर. ठीक है. 6 इलेक्ट्रॉन पेयर वाला केस है SF6. आप देखो सल्फर के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन को 6 फ्लोरीन के साथ शेयर करके एक्सपेंडेड ऑक्टेट वाला हाइपरवेलेंट कंपाउंड बना सकता है. हाइपरवेलेंट में मैंने आपको ये वाला एग्जांपल बताया भी था SF6 एक्सपेंडेड ऑक्टेट. ठीक है. बताओ इसके आसपास 6 अपने इलेक्ट्रॉन 6 फ्लोरीन ले आया, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए यानी कि 6 पेयर और ऑल आर बॉन्ड पेयर, कोई लोन पेयर नहीं है. ठीक है. सो ऑल बॉन्ड पेयर.
देखिए छह इलेक्ट्रॉन पेयर किस तरह से अरेंज हो स्पेस में सो दैट उनके बीच में एंगल्स मैक्सिमम रह पाए और रिपल्शंस मिनिमाइज करे जा सके। तो देखिए पीसीएल 5 ने क्या करा था, पीसीएल 5 ने क्या करा कि तीन बॉन्ड तो ट्रायंगल के प्लेन में वर्टिसेस में लगाए और एक ऊपर एक नीचे लगाए। ये क्या करेगा, चार बॉन्ड एक स्क्वायर के कॉर्नर पर लगाएगा, एक ऊपर एक नीचे लगाएगा। सही है, देखो इस तरह से एक स्क्वायर या एक पैरलोग्राम कुछ भी बना सकते हैं, कुछ बुक्स में आपको पैरलोग्राम भी बनाऊ मिलेगा। यहां पे सल्फर है, अलोंग द फोर कॉर्नर्स ऑफ दिस पैरलोग्राम चार फ्लोरीन है और एक फ्लोरीन परपेंडिकुलरली अबव द प्लेन होगा जो आप ऐसे दिखाओगे और एक फ्लोरीन परपेंडिकुलरली बिहाइंड द प्लेन होगा जो आप ऐसे दिखाओगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, इस ज्योमेट्री के ना दो नाम होते हैं, ज्योमेट्री के दो नाम होते हैं। यहाँ पे पहले तो बताओ ज्योमेट्री और शेप सेम होगी या नहीं, सब लोग बताइए। सेम होगी सर, सेम होगी। यस सर, सेम होगी। लोन पेयर नहीं है तो यहाँ पे ज्योमेट्री और शेप के दो नाम होते हैं। या तो आप इसे बोल सकते हो स्क्वायर बाय पिरामिडल, इसके स्क्वायर के ऊपर एक पिरामिड बनेगा। आप इमेजिन करो कि अगर मैं इसे चारों कॉर्नर से कनेक्ट कर दूं, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी और यहां से भी, तो इन चारों कॉर्नर से एक पिरामिड उठता हुआ नजर आएगा आपको। पिरामिड भी ना अलग अलग तरह के होते हैं, एक तो होते हैं ट्रायंगल बेस वाले पिरामिड, एक होते हैं स्क्वायर बेस वाले पिरामिड, तो एक स्क्वायर बेस वाला पिरामिड बनेगा इसे। और ऐसे ही एक पिरामिड पीछे भी बनेगा, तो उसे अभी मैं बना के भी दिखाऊंगा, जब आप ये बना लेंगे ना उसके बाद मैं इसमें चेंजेस करूंगा। तो स्क्वायर बाय पिरामिडल इस ज्योमेट्री को या तो नाम दे सकते हो, आप बना लो पहले ये स्ट्रक्चर, बनाओ ज्योमेट्री का एक नाम स्क्वायर बाय पिरामिडल को, फिर दूसरा बताता हूं मैं आपको। ड्रॉ करा? यस सर। ठीक है, अब देखो मैं इसमें एक चेंज कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, आपको वो करने की जरूरत नहीं है, बस यू हैव टू इमेजिन दैट। देखिए ये थोड़ा सा छोटा कर देता हूं इसे, ये फ्लोरीन है, आप इमेजिन करिए फ्लोरीन प्रैक्टिकली यहां पे निकला हुआ बोर्ड के बाहर अबव द प्लेन, और ये ऊपर वाला फ्लोरीन अगर मैं इन चारों कॉर्नर से कनेक्ट कर दूं तो मैं वो पिरामिड आपको बनाकर दिखाता हूं, आप उसे थ्री डायमेंशनली इमेजिन करने की कोशिश करो, विजुअलाइज थ्री डायमेंशनली। क्या आप एक पिरामिड फील कर पा रहे ऊपर? यस सर, यस सर। अक्षिता अग्रवाल बताइए, क्या पिरामिड फील हो पा रहा है ऊपर? यस सर। ये बताइए अक्षिता, इस पिरामिड के कितने फेसेस, हाउ मेनी फेसेस आर देयर? 5। बेस को नहीं गिनते, जब हम फेसेस की बात करते हैं वी डोंट काउंट द बेस। फोर फेसेस है, ठीक है। तीन तो आपको दिख रहे हैं, एक इसके पीछे, तीन दिख रहे हैं ना सामने से, एक पीछे। ऐसे ही जो नीचे पिरामिड बनेगा उसके भी चार फेसेस होंगे, तो इस पूरी फिगर के टोटल कितने फेसेस हो जाएंगे? 8। तो इस ज्योमेट्री का दूसरा नाम होता है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। स्क्वायर बाय पिरामिडल इज ऑल्सो नोन एज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। या तो आप स्क्वायर बाय पिरामिडल लिख दो या ऑक्टाहेड्रल लिख दो, इज द सेम थिंग। ये दोनों ज्योमेट्री के ही नाम है। SF6 को स्क्वायर बाय पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल कुछ भी कहा जा सकता है इसमें, ये क्योंकि एक रेगुलर है, इसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, तो आप यहां पे एंगल भी इमेजिन कर सकते हो। आपको पता है कि एक स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलर, तो ये सारे एंगल तो 90 डिग्री के होंगे, ये सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे, और इन चारों से ये जो परपेंडिकुलर लिया है वो भी 90 डिग्री पे ही होगा। हाँ, बस ऊपर और नीचे वाला 180 डिग्री पे होंगे, जैसे ये डायगोनल अपोजिट वाले 180 डिग्री में, ठीक है। तो यहाँ पे सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। द मॉडल इज दिस, आप देखिए ये मेरे हाथ में मॉडल है। आप सबसे पहले तो ये स्क्वायर के चार कॉर्नर वाले बॉन्ड्स देखिए, आपको दिख रहे होंगे स्क्वायर के चार कॉर्नर वाले, और एक परपेंडिकुलरली ऊपर उठा हुआ है, ये देखिए ऐसे मैं वर्टिकल करके दिखाता हूं, ठीक है। एक परपेंडिकुलरली ऊपर उठा हुआ है, एक परपेंडिकुलरली नीचे जा रहे हैं, और हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि अगर मैं इसकी टिप को इन चारों कॉर्नर से जॉइन कर दूं तो एक पिरामिड बनेगा और एक पिरामिड नीचे बनेगा, ठीक है। सो वो एक ऑक्टाहेड्रल फिगर हो जाए,
सो दिस इज SF4। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो हर वो मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम के आसपास छह इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे और छह के छह बॉन्ड पेयर होंगे, कोई लोन पेयर नहीं होगा, उसकी शेप एंड ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी या स्क्वायर बॉन्ड। कोई डाउट? कोई डाउट? ठीक है। उसके बाद सिक्स वाले और केसेस डिस्कस करने हैं हमें। एक एग्जांपल कंसीडर करिए, BrF5। बताओ ब्रोमीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? सब लोग बताओ। सेवन, क्योंकि ब्रोमीन इज एन हैलोजन, ब्रोमीन एक हैलोजन होता है। और पांच फ्लोरीन ले आया तो 7 + 5 = 12, 12 मतलब सिक्स पेयर, 12 मतलब सिक्स पेयर, ठीक है। लेकिन बॉन्ड तो पांच ही बन रहे हैं, तो पांच बॉन्ड पेयर होंगे, एक लोन पेयर। आप ओरली भी इमेजिन कर सकते हो, मतलब मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं, लेकिन आप ओरली भी कैलकुलेट कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 में से 5 फ्लोरीन के साथ शेयरिंग हो गई, तो 5 तो हो गए सीधे सीधे बॉन्ड पेयर, एक ही बैठा लोन पेयर, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर वाला ये भी केस है। इस केस में भी बताइए अलीशा, क्या यहां पे भी ज्योमेट्री स्क्वायर बायपिरामिडल होगी? ठीक है, यहां पे जो लोन पेयर होगा अर्णव चौधरी, यहां जो लोन पेयर होगा वो प्लेन में रखें या एक्सियल पोजीशन पे रखें? सर एक्सियल में रखें, क्योंकि यहां पे इवन, क्योंकि दिस नंबर इज इवन। तो आपने बिल्कुल सही बताया, एक स्क्वायर बनाते हैं, एक स्क्वायर के सेंटर पे ब्रोमीन, अलोंग द फोर कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर फोर फ्लोरीन होंगे, एक फ्लोरीन परपेंडिकुलरली अबव या बिलो कहीं पे भी बना सकते हो। मान लीजिए मैं ऊपर बना देता हूं एक फ्लोरीन, तो नीचे वाली जगह पे मैं लोन पेयर दिखाऊंगा। ये ऑर्बिटल है जो मैंने पूरा नहीं दिखाया, वो उसके पीछे से जा रहा है, इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर बैठा हुआ। ज्योमेट्री इसकी भी वही होगी, स्क्वायर बायपिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल, लेकिन शेप हैंड रेस करिए, हु कैन टेल मी द शेप? बोलिएगा नहीं, दीक्षा बताइए। स्क्वायर पिरामिडल। एग्जैक्टली बताइए, स्क्वायर पिरामिडल। देखिए ज्योमेट्री तो थी स्क्वायर बायपिरामिडल, लेकिन आप इमेजिन करो अगर एक तरफ बॉन्ड नहीं बन रहा, ऊपर बॉन्ड ही नहीं बन रहा, तो ऊपर कोई पिरामिड बनेगा ही नहीं, लेकिन नीचे तो बनेगा ना, ठीक है। तो स्क्वायर के एक ही तरफ पिरामिड बनेगा, दूसरी तरफ नहीं बनेगा, सो शेप हो जाएगी स्क्वायर पिरामिडल, लेकिन ज्योमेट्री को स्क्वायर बाय पिरामिडल, ज्योमेट्री में आप लोन पेयर भी इमेजिन करो, सही है। तो शेप इज स्क्वायर पिरामिडल। कोई डाउट किसी को, या क्लियर हो गया? आदित्य, अर्पित, ध्रुव, कृपा, प्रीतम, सबको क्लियर है ना? यस सर। देखिए खुद ही बता दिया करिए, सबका नाम लेना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। वंश, यशस्वी, क्लियर है? यस सर। ओके, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस। सिक्स वाला और भी केस एग्जिस्ट करता है, XeF4। क्या आप ओरली कैलकुलेट कर सकते हैं ज़ेनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 8। चार फ्लोरीन लिया या 8, तो 8 + 4 = 12, 12 का मतलब है 6 पेयर, लेकिन उन 6 पेयर में से बॉन्ड तो चार फ्लोरीन के साथ ही बन रहे हैं, तो चार बॉन्ड पेयर होंगे, दो लोन पेयर, ठीक है, 4 बॉन्ड पेयर्स एंड 2 लोन पेयर। यहां पे लिख लेते हैं, ये यहां पे सही कर लीजिएगा, BrF3 में मैंने लिखा नहीं था, दिस वाज 5 बॉन्ड पेयर, ये सब में लिखना है आपने, एंड 1 लोन पेयर था। इसके केस में 4 बॉन्ड पेयर होंगे एंड 2 लोन पेयर होंगे XeF4 के केस में। अब अगर 2 लोन पेयर होंगे तो इसका मतलब ऊपर वाला बॉन्ड बनना भी बंद हो जाएगा, सिर्फ स्क्वायर के चार कॉर्नर पे ही बॉन्ड बनेंगे। अब ऊपर भी लोन पेयर आ गया, नीचे भी ऑर्बिटल आ गया लोन पेयर, और बस चार बॉन्ड यहां पे बनेंगे, बिकॉज अगेन यू नो ना कि 6 इज एन इवन नंबर, और इवन नंबर में जो लोन पेयर होते हैं वो हम परपेंडिकुलर पोजीशंस पे रखते हैं, तो हमने दोनों जगह रख दिया। अब बताओ इस शेप को क्या नाम देंगे?
सिर्फ स्क्वायर, अजीब सा नहीं लग रहा स्क्वायर बोलने का, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, सो शेप होगी स्क्वायर प्लेनर, ज्योमेट्री भी लिख लीजिएगा और शेप भी लिख लीजिए, ज्योमेट्री तो वही है स्क्वायर बाय पिरामिडल, एंड शेप इज अ स्क्वायर प्लेनर, तो सिक्स इलेक्ट्रॉन पेयर वाले हमने तीन केसेस देखे, SF6, BrF5 एंड XeF4। अब आते हैं हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन पेयर की पॉसिबिलिटी, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर दैट कैन बी अटेन्ड बाय एनी एलिमेंट विद एन एक्सपैंडेड ऑक्टेट आर 7। 7 इलेक्ट्रॉन पेयर वाला केस देखते हैं और उसमें भी ऑल बॉन्ड पेयर वाला, सबसे पहले 7 में ऑल बॉन्ड पेयर वाला केस देखते हैं। मालूम है किसी को कोई एग्जांपल, मैंने आपको करवाया भी था, सर IF6, IF6 नहीं IF7, IF7 इज द एग्जांपल, ओरली कैलकुलेट कर सकते हैं, आयोडीन भी हैलोजन है फ्लोरीन भी हैलोजन, आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन और 7 के 7 उसने 7 फ्लोरीन के साथ शेयर कर लिए, 7 फ्लोरीन ले आया, 7 आयोडीन के थे, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि 7 पेयर एंड ऑल बॉन्डेड, क्योंकि सातों के सातों फ्लोरीन के साथ शेयर, ठीक है। अब देखो ये आप खुद इमेजिन करो, ये बताओ किस किस के स्कूल में ये चैप्टर नहीं हुआ उसी से इमेजिन करो, किस किस के स्कूल में नहीं हुआ, आपने आपने पढ़ा, आप लोगों ने आपने पढ़ा सबने स्कूल में, खुद सोचो जब 5 बॉन्ड बन रहे थे तो 3 ट्राइंगल में बने, एक ऊपर एक नीचे बना, फिर जब 6 बने तो 4 स्क्वायर में बने, एक ऊपर एक नीचे बना, तो अब जब 7 बन रहे तो सोचो क्या होगा, 5 पेंटागन में बनेंगे, एक ऊपर एक नीचे बनेगा, तो आप बोलेंगे पेंटागोनल पिरामिड, अब जो पिरामिड बनेगा वो पेंटागन बेस का पिरामिड होगा, देखो कैसे बनाएंगे उसे, पेंटागन भी ना थोड़ा तरीके से बनाना है आपने, देखो ऐसा पेंटागन मत बनाना जिसकी टिप आप ऊपर की तरफ है, ये टिप ऊपर की तरफ दिखाई, ये मैंने थोड़ा सा टिल्टेड दिखाई, ये कह लो इसी चीज को मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया, ठीक है वर्टिकल ना बनाते, अब ऐसा क्यों, इसको मैंने ऐसे क्यों दिखाया, देखो पहले ध्यान से, एक्सी का यहाँ पे लिखा, एक फ्लोरीन ये, 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 और एक परपेंडिकुलर लिया बाबू, जो मैं एक्चुअली होता तो यहाँ है लेकिन मुझे दिखाना तो यहाँ पड़ेगा, तो इसलिए मैंने ये टिप ना थोड़ी सी टिल्टेड लिया है, वरना ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड एक दूसरे पे सुपर इम्पोज कर जाते, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप इसे मैं सीधा सीधा बनाता ये टिप बिल्कुल सेंटर में रखता तो ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड एक दूसरे पे सुपर इम्पोज कर जाते, फिर आप दिखा नहीं पाते क्लैरिटी के साथ, तो इसलिए हम थोड़ा सा मैं दोबारा बना देता हूं, एक फ्लोरीन यहां पे, 5 फ्लोरीन अलोंग द वर्टिसेस, एक परपेंडिकुलरली अबव और एक परपेंडिकुलरली बिलो, वहां पे आयोडीन आएगा सर, IF7 था ना, हां सॉरी IF7 So this is geometry as well as shape, pentagonal bipyramidal. Pentagonal bipyramidal. इसका भी एक छोटा सा मॉडल दिखाता हूं मैं आपको. ड्रॉ करा आप लोगों ने, यस सर ओके, सो देखिए ये मेरे हाथ में एक छोटा सा मॉडल है इसका, ध्यान से देखिएगा, ये पहले तो पेंटागन के 5 बॉन्ड्स देख रहे हैं आप, ठीक है ना, और एक परपेंडिकुलरली अबव है और एक परपेंडिकुलरली बिलो है, जो इसे मैंने होल्ड करा हुआ, ये ऊपर नीचे वाले हो गए और ये
ये देखिए ये पेंटागन के पांच बॉन्ड्स आपको आई होप आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा, मैं और थोड़ा पास से निकाल देता हूँ, ये देखिए बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा है, सही है आप लोगों को तो आ ही रहा है, सबको क्लियर है, ये देखिए मेरे हाथ में जो स्ट्रक्चर है पेंटागोनल बाय, हम इसे इमेजिन करते हैं कि जो ऊपर वाली टिप है अगर इन पांचों कॉर्नर से कनेक्ट कर दी जाए तो एक पिरामिड इमेजिन होगा, वो सिर्फ इमेजिनरी होता है एक्चुअली में तो ये कनेक्टेड नहीं होते, वी जस्ट इमेजिन कि एक पिरामिडल शेप ऊपर बन रही है एक पिरामिडल शेप नीचे बन रही है, सो दिस इज पेंटागोनल बाय पिरामिड। अब आते हैं अपने लास्ट केस ऑफ दिस टेबल पे, तो टेबल को बहुत ज्यादा एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, बस एक आखिरी एग्जाम्पल हम इस टेबल के अंदर देख रहे हैं, इसी में चेंज कर दूंगा मैं, यहीं पे कर देता हूं। द लास्ट एग्जाम्पल इज XEF6 ओरली कैलकुलेटर, ज़ेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स, 6 फ्लोरीन लाया, 8 प्लस 6 बिकम्स 14, यानी कि 7 पेयर, लेकिन 6 फ्लोरीन है तो 6 ही बॉन्ड पेयर होंगे, एक लोन पेयर होगा, 6 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। अर्पित, यस सर, अर्पित बताइए लोन पेयर पेंटागन के अंदर लगाए या पेंटागन के बाहर? सर पेंटागन के अंदर या अंदर, प्लेन प्लेन में, प्लेन बिकॉज दिस इज एन ऑड नंबर, ठीक है, सो किसी भी एक वर्टिस को खाली कर देते हैं, सपोज यहां लगा देते हैं कोई भी एक वर्टिस, बट स्टिल ज्योमेट्री तो सेम ही रही, ज्योमेट्री फर्क नहीं पड़ता, ज्योमेट्री तो 7 इलेक्ट्रॉन पेयर जहां भी आएगा सब में फिक्स हो जाएगी पेंटागोनल बैकग्राउंड, लेकिन शेप पे फर्क पड़ेगा। हैंड रेस करिए कौन मुझे इसकी शेप बता सकता है, जिन्होंने स्कूल में नहीं पढ़ा वो ट्राई करिए क्या लग रहा है आपको, जिन्होंने पढ़ लिया है वो याद करिए क्या बताया था। पीयूष बताओ, अभिनव तो देख सोच के बताओ, अनुरिमा आपने तो पढ़ लिया स्कूल में नहीं हुआ, चलिए कौन बताएगा, हैंड रेज नहीं करा किसी ने, सोनम चलिए एक हैंड रेज हुआ है, अकेला आप बताए, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, बिल्कुल ठीक बताया अकेला, आपको इसका रीजन मालूम है कि व्हाई डू वी कॉल इट डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, रीजन भी मालूम है, इमेजिनेशन है सर शायद क्योंकि इक्वेटोरियल पे एक लोन पेयर आ गया है तो उस वजह से ऑक्टाहेड्रल पूरा नहीं बना, नहीं नहीं ऑक्टाहेड्रल तो पूरा बनेगा लेकिन डिस्टॉर्टेड का क्या मतलब है वो मैं बताता हूं, पहले सब लोग लिख लो डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आना चाहिए आपको, सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, यू शुड क्लियरली अंडरस्टैंड कि व्हाई वी आर कॉलिंग इट डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। बना लिया सब लोगों ने, नोट कर लिया यहां तक? Yes, sir. अब मैं आपको रीजन बता रहा हूं, सब लोग बहुत ध्यान से फोकस के साथ सुनिए, SF6 मैंने क्या बनाया, SF6 में हम लोगों ने करा था कि एक सल्फर के चार फ्लोरीन जो थे वो तो चार कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर पे ओरिएंटेड थे, 4 फ्लोरीन वर ओरिएंटेड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर और एक फ्लोरीन परपेंडिकुलरली अबव था एक बिलो था, और मैंने इसी में आपको ज्वाइन करके एक पिरामिड बनाकर दिखाया था, सब लोग मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगा, तो आप देख रहे थे कि इस स्क्वायर के ऊपर एक पिरामिड बन रहा था, स्क्वायर के नीचे भी एक पिरामिड बनेगा, 8 फेसेस वाली फिगर होगी ये, 4 फेसेस ऊपर 4 फेसेस नीचे, इसे ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे, लेकिन क्या आप ये मानती हैं कि अगर ये स्क्वायर है तो इसकी चारों साइड बराबर होंगी, और अगर ये चारों साइड बराबर होंगी तो ये जो पिरामिड के आपको फेसेस दिख रहे हैं ये फेसेस भी चारों फेसेस सेम डायमेंशन के होंगे ना, कोई फेस ऐसा तो नहीं ये वाइड होगा कोई थोड़ा कंप्रेस्ड होगा, हर फेस एक जैसा ही होगा ना, आठों के आठों फेस एक जैसे होंगे कि नहीं होंगे स्क्वायर बेस पे, चार ऊपर वाले चार नीचे वाले, बताओ। तो इसे बोलते हैं एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रल, एक सिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल, इसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई फेस बड़ा हो गया कोई नैरो हो गया कोई वाइड हो गया, लेकिन यहां पे इमेजिन
देखो अगर मैं ये आउटलाइन ना बनाऊ, ध्यान से देखिएगा कॉन्सेप्ट को समझिए, अगर मैं ये आउटलाइन ना बनाऊं जो सिर्फ आपको इमेजिन करवाई जाती है और ये लोन पेयर भी ना दिखाऊं, ये दिख रही है प्रैक्टिकल चीज, तो मैं इन चार, ये जो चार फ्लोरीन है इनके कॉर्नर ज्वाइन करता हूं। देखो तो देखो ये बेस पे तो एक्चुअली ट्रेपेजियम बन रहा है, स्क्वायर नहीं बन रहा है, ट्रेपेजियम टाइप का बन रहा है बेस पे। वहां तो बेस पे स्क्वायर था लेकिन यहां बेस पे ट्रेपेजियम है, इस ट्रेपेजियम के ऊपर एक पिरामिड बनेगा। मैं बनाकर लिखा दूं, और एक ट्रेपेजियम के नीचे पिरामिड बनेगा, तो फेसेस तो यहां पे भी ऐड होंगे, ऑक्टाहेड्रल तो बोलेंगे लेकिन एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रल नहीं होगा, हर फेस एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये लेंथ तो बड़ी जा रही है, ये लेंथ छोटी हो गई, तो फेसेस की जो विड्थ होगी वो अलग अलग होगी, बड़ा इरेगुलर ऑक्टाहेड्रल होगा। आठ फेसेस वाली हर फिगर को ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे, लेकिन एक होता है कि रेगुलर ऑक्टाहेड्रल होता है जिसमें सारे फेसेस एक जैसे होते हैं, एक डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है जिसमें फेसेस की विड्थ और डायमेंशन अलग अलग होती है। तो ये एक ऐसा ऑक्टाहेड्रल है जो डिस्टॉर्ट हो चुका है, स्क्वायर बेस पे नहीं है, ट्रेपेजियम बेस। आप समझ गए इसे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल क्यों बोल रहे हैं? सब लोग समझ गए? यस सर। यस सर। ठीक। सो देखिए विद दिस हमारा इस चैप्टर में हर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको तीन चार क्लास से पहले मैसेज करा था कि क्लास मिस मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगली क्लास के लिए भी, अभी छुट्टी नहीं कर रहा हूँ लेकिन बता रहा हूँ, आगे की क्लासेस में भी आप मिस मत करिएगा, क्योंकि अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थी हमारी VSEPR थ्योरी, जिसमें हमने टू इलेक्ट्रॉन पेयर से लेके सेवन इलेक्ट्रॉन पेयर तक के डिफरेंट केसेस देखे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने सारे केसेस करवा दिया, सारे टाइप्स करवा दिए, टू से लेके सेवन तक के ही टाइप्स होती है, बट एग्जाम्पल्स कैन बी मेनी मोर, बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। मैंने हर एक केस के एक एक एग्जाम्पल आपको करवा दिया। ठीक है, तो ये थी हमारी VSEPR थ्योरी। अब इसी ये जो 14 के 14 एग्जाम्पल्स, 14 हुए, किसी ने नंबरिंग डाली? टोटल 14 हुए। ये जो मैंने 14 एग्जाम्पल्स आपको VSEPR थ्योरी में करवाया ना, यही 14 एग्जाम्पल अब हम एक दूसरे कॉन्सेप्ट के थ्रू समझेंगे, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, जो इस चैप्टर का बहुत ही मेजर, बहुत ही इंपॉर्टेंट डोमिनेटिंग टॉपिक। बट बिफोर वी स्टार्ट विद द हाइब्रिडाइजेशन, हम बीच में एक और छोटा सा टॉपिक करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड एंड देयर टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। आप लोगों को ये तो पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्मड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और मैंने आपको ये भी क्लास 11th में आपको बता दिया कि दिस म्यूचुअल शेयरिंग इज ऑनली पॉसिबल बाय द ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस ऑर्बिटल्स। ये ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट आपको 10th तक नहीं पढ़ाया गया था, ये आपने 11th में पहली बार सुना कि ओवरलैपिंग से शेयरिंग होती है। लेकिन अभी भी आप लोगों को ये नहीं मालूम होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा ये चैप्टर, कि कोवेलेंट बॉन्ड भी दो टाइप का होता है। इवन दैट कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑफ टू टाइप्स, वो बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, जो ओवरलैपिंग से बनते हैं, वो भी दो टाइप के होते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स। नाम सुने होंगे आप लोगों ने। सो कोवेलेंट बॉन्ड की ये दो टाइप्स किस बेसिस पे होते हैं, अब हम वो डिस्कस करेंगे। तो अगली हेडिंग डालिए VSEPR थ्योरी का, टेबल नीचे से क्लोज कर दीजिए, और टेबल के बाहर एक हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। Types of covalent bonds. Depending upon the nature of overlap. Depending upon the nature of overlap. As well as the shape of orbitals, orbitals के आगे comma लगाइए, the covalent bond are of two types. That is, one or two करके लिख लीजिए। पहला लिख लीजिए सिग्मा, ब्रैकेट में सिग्मा बना भी लीजिए, सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा लिखिए पाई बॉन्ड। पाई में पी आई ई नहीं लिखना, सिर्फ पी आई लिखना, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड।
एन बॉन्ड्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. ऑलरेडी 5 बच्चे छोड़ के चले गए मुझे बिना बताए. ठीक है तो चलिए इतना कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर.